आज जो कार्यक्रम जाहिर किया है उसमें नांदेड़ जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ ही जो अपना 16 नांदेड़ लोकसभा का जो बाई इलेक्शन है उसकी भी घोषणा की गई है। उस हिसाब से प्रशासन की तैयारी अभी पूरी तौर पर हो चुकी है। जितना भी उसमें मैन पावर चाहिए उसकी व्यवस्था अपने पास है, जितनी ईवीएम मशीन चाहिए उतनी क्वालिटी चेकिंग करके अपने पास अवेलेबल है। साथ ही में सारे नोडल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हुई है। अपने जिले में कुल 27,71,453 इतने मतदाता है, जिसमें और भी बढ़ोतरी नामांकन तक हो सकती है। तो ये सारे मतदान के लिए अभी इलिजिबल है। इसकी प्रक्रिया मैं थोड़े शॉर्ट में बताता हूँ कि 22 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन निकलेगा। नामांकन भरने का अंतिम दिनांक है 29 अक्टूबर। उसकी जो स्क्रूटिनी है वो 30 अक्टूबर को होगी और इसमें अगर किसी को विड्रॉल करना है तो उसके लिए 4 नवंबर ये आखिरी तारीख होगी। इस हिसाब से 4 नवंबर को अपने पास पूरा डेटा रहेगा कि अंतिम कितने उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और इसके बाद 20 नवंबर को एक्चुअल जो चुनाव है मतदान है वो होने वाला है, और 23 नवंबर को इसका काउंटिंग होने वाला है, जिसके बाद अपना जो रिजल्ट है और वो हो जाएगा और इलेक्शन की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। इस हिसाब से मैं सारे नांदेड़ के मतदाताओं को ये आह्वान करता हूँ कि लोकसभा में आपने थोड़ी कसर रह गई थी, 61% कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं था मतदान का। इस बार मेरा आप सबसे ये विनती है, गुजारिश है कि इस बार हमें बहुत अच्छा करना है, पिछले बार की कसर भर के निकालनी है। उसके लिए सारी जो की सुविधाएं है मतदान केंद्र पर वो आपके लिए मुहैया कराई गई है, लेकिन अब आपके हाथ में जिम्मेदारी है कि आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। लोकसभा और विधानसभा का जो 6 नांदेड़ लोकसभा के जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक साथ हो रहा है, वहां पर 2 मशीन अलग रहेंगे, एक लोकसभा का एक विधानसभा का, बाकी यंत्रणा एक ही जैसी रहेगी। और वहां पर मतदान केंद्र पर आपको पूरी तरह से मतदाताओं को गाइड किया जाएगा कि कौन सा लोकसभा का है कौन सा विधानसभा का है, कहीं भी कंफ्यूजन होगा नहीं, इसकी हम पूरी एहतियात बरते हुए।